किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है, इसलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग का गोलाकार धब्बा चक्र के रूप में दिखाई देता है, जो हिरण की आंख की तरह लगता है। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और यह सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं, इसलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इस नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैनकोजेव या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, यह रोग फाइटोपथोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधों के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह दिखाई देते हैं, और वातावरण में अधिक नमी होने पर यह धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खरीफ फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकाजेव दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं, तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी।